तौसिया बेगम मेरी बहन है, हम लोग 8 बहनें हैं, इन्हों पांचवी बहन है। ये मोहम्मद इमरान से शादी हुई इनकी, क्या बोलते सो शादी हुए सो 2016 में शादी हुई सितंबर 2 को, क्या बोलते सो जब से उन्हों 20 दिन के बाद से शुरू करे सर, उन्हों 20 दिन के बाद सोना रहन रख दिए और क्या बोलते सो बाद में हरासमेंट करते जा रहे थे, मगर उन्होंने नहीं बोले बहन हमारे, यहाँ तक कि अंदर डराना उनको, पैसे लेके आओ बोल के बोलना और क्या बोलते मारम तोड़ी करना, घर में से अलग हो जाएंगे, माँ बाप से अलग होंगे, माँ बाप से मैं अलग हो जाता हूँ, तुम थोड़े बहुत पैसे लेके आओ, कर्जा फेर देंगे, कर्जा फेर के अपन दोनों अलग रहेंगे, अच्छा रहेंगे अपन लोग, हंसी खुशी से रहेंगे बोल के उनको बहला फुसला के सोना वो पूरा ले लिए सर। लेने के बाद अब जैसा बाहर आए, घर का किराया बन नहीं सक रहे थे, लड़ाया मारम तोड़ी घर आए, घर में से बहन को जाओ लेके आओ जाओ बोल के बोल रहे। क्या नाम है इनका? MD इमरान है, मुसरम बाग में रहते हैं, पहले मैं मुसरम बाग में थे, अब खादरी बाग में शिफ्ट करे उनको। अब तक किराए से 3 घरों नहीं मैंने घर का, जहाँ भी घर में खाली कर गए उन्होंने वहाँ पर कर्जा रख के गए, इमरान बोलने वाले हमारे भाव नहीं है वो, और उन ये उनके ये उनकी फोटो ये उनकी फोटो है इमरान बोल। अभी क्या आप लोग अंबर में पीएस आने की वजह क्या है? मेरी बहन को 10 तारीख के दिन जुमेरात के दिन सुबह नौ बजे से बच्ची को स्कूल को भेजने के बाद जो मारम पीटी शुरू करा तो क्या बोलते सो 2-2.5 बजे तक मारा करते उन्हें, मारने के बावजूद क्या बोलते सो अंदर ठेलते जा रहा, घर में रूम में लॉक करके मारा, मकानदारा खटका मारे तो ये हमारे घर का मैटर है। अच्छा। घर का मैटर है, नहीं बोलना आप लोग, कैसा नहीं बोलती हूँ मैं, पहले मेरा घर है बाद में बोले तो किराया दिए तक मैं मेरा घर होता ये बोल के बोला उन्हें, पेट में लात मारा, गर्दन पे, हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है कि उन्हें बहन को मेरी नहीं मारा बोल। अब और बहन हमारी क्या बोलते सो ननन को साथ में लेके, ननन साथ में लेकर आई बहन को हमारी 2:30 बजे, तब हम लोग दूसरी बहन को दवाखाने में लेके जा रहे थे और एक बहन की डिलीवरी का टाइम था, BP बढ़ने की वजह से गांधी में एडमिट कर दिए उसको भी, हम वो प्रॉब्लम में फंसे हुए थे उस दिन सुबह से, तब इनकी ननन लेकर आके घर पे छोड़ के चले गई कि बोलो मेरे को अगर तबीयत ख़राब हुए तो आके मैं दवाखाने को लेके जाती हूँ अगर आप लोग लेके जा रहे हैं तो बोल के बोली। दूसरे दिन छोटी बहन के लड़के का इंतकाल हो गया BP बढ़ने की वजह से। फिर इनको कहाँ पे एडमिट करें? एडमिट नहीं, शिफा क्लिनिक में हम लोग बताए उनको, बाबा ले लेके जाके शाम में जुमेरात के दिन उनको बताए, ग्लूकोज चढ़ाए और घर में ग्लूकोज भी लेकर आ लिए, छोटी बहन नर्सिंग का काम करते हैं उन्हों चढ़ाते बोल के, मैं भी नर्सिंग का काम करी हुई हूँ, उन्हों आप ही चढ़ाओ बोल के मेरे को ग्लूकोज चढ़ाने लगा। दूसरे दिन हम खामोश बढ़ गए, तीसरे दिन बोल रहे हैं कि अम्मी आप ही देखो इतना मारे कि मेरे पेट में दर्द बहुत दे रहा है, बैठे जगह घुटने से मुखिया बना के मार रहे हैं, जिस तरह का जो चीज़ बेल्ट टूट गया घर में, मुँह दबा के मारे कहते मुँह पे कपड़ा लगा के 15 तारीख। हम लोग 13 तारीख अब ये बहन की खराब हो गई डिलीवर, इनके बच्चे की मौत होने की वजह से हम लोग जुमा के दिन हम लोग नहीं ये कर सके, नल प्रॉब्लम बोले नहीं थे भाई साहब जी, अब इन लोगों को बोली नहीं थी। एक्चुअल क्या था बोले तो अब जब बच्चे की मौत होने के बाद जुमे के दिन हम लोग जिसके घरों को चले गए, जब हफ्ते के दिन ये बहन को वालदा को बोले ऐसा ऐसा हुआ बोल के, तो हम लोग क्या करें, फिर भी घर के पास के क्लिनिक पे लेके गए, लेके जाके उनका ट्रीटमेंट के लिए जो भी है ये कर रहे थे ट्रीटमेंट, अचानक फिर उसके 2 दिन के बाद उनकी तबीयत बिल्कुल ऐसा हो गई, बात बंद हो गई उनकी टोटली, तो हम लोग यहाँ पे पुलिस स्टेशन लेके आए, लेके आ के सीधा गांधी हॉस्पिटल को लेके गए, एडमिट करे जो भी है, अब उसके बाद बच्ची की हालत इतनी बिगड़ते गई कि आज इंतकाल अनकॉन्शियस हो गई, टोटली बात करने का उसको मौकूफ़ में नहीं थी उन्हें, टोटली ये हालत हो गई, तो इंटरनल जो मारा लगे थे बहन को बोली और वालदा को बोली, क्या बोली बोले बोलो बेटा पेट में दर्द बहुत हो रहा, मेरे को बहुत दर्द हो रहा, मैं
बोली कहा मर मारे क्या है बताओ माँ, तुम बोलो जब बताए तो हमारे दिल के तारे टूट गए हमारे, इतना मारा के पता नहीं सकते हम उसको, इंसान नहीं है चाहे ले वो जानवर, जानवर से बदतर है, उन्हें इतना मारा हमारी बहन को, उसको छोड़ना नहीं उसको, और पेट में ऐसा मारा के उसको इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई, यहाँ तक के यूरिन भी ब्लड का आ रहा था उसको। क्या चाह रहे हैं आप लोग उसके साथ जाने? उसको छोड़ना नहीं, उसको हमारे को इंसाफ दिलाना, मेरे माँ बाप को पुलिस से इंसाफ, श्रीनिवास साहब कर रहे सब को, यानी आपका कंप्लेन दिया तो श्रीनिवास साहब से यानी क्या उम्मीद, मेरे को इंसाफ दिलाना बोल के हम उम्मीद रखे हुए हैं, और आइंदा आगे किसी बच्ची को ऐसा नहीं करना, और उसको रहन कोई घर नहीं देना उसकी, उसको बहन को, और कोई घर, तीन बच्चे है भाई साहब, एक लड़की है दो लड़के है, एक साल छह साल की बच्ची है, तीन साल का बच्चा है और एक साल का बच्चा है, और उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट भी बहुत कर रहा था उन्हें। के सर्कल साहब के से इसको हम कोई लड़की नहीं देना, और क्या है घर किराए को भी नहीं देना उसको, सख्त से सख्त कार्रवाई करना, हमारी बहन को इंसाफ दिलाना सर्कल साहब हमारे को। और ये शौहर ननन क्या, शौहर एमडी इमरान है, ननन नाजिमा है, और देवर है छोटू बाबा आमिर, आके कभी भी मिलने आए, अलग रहते थे अलग रह, और उनके अब्बा एमडी रईस साहब, उन्हों भी कम के नहीं है, ज़ईफ़ी हालत में है, मगर कभी दिन हमारी बहन को खुश नहीं रखे उन्हों, ससुरे के ससुरा बोलते थे, मगर उन्होंने बहुत ख़राब भाव के साथ एक रंग रहते थे उन्हों, बेटा बाहर निकलते के साथ ही बच्चों को मारना करना, मेरे को रहने नहीं देते घर में बोल के बोलना, खाना सालन अच्छा नहीं बनाते बोल के बोलना, अभी नहीं है उन्होंने जाके देखे पुलिस वाले, अभी नहीं मिले उन्होंने जी, अभी भागे हुए हैं, वो ताला है बहन के घर पे, हमारे को जल्द से जल्द कार्रवाई करें और हमारी बहन को इंसाफ दिलाएं, मेरे माँ बाप को इंसाफ दिलाने। कितने बच्चे हैं उनको? तीन बच्चे हैं गौसिया बेगम को। कितने बेटे, कितने बेटे? एक बेटी दो बेटे हैं। कितने उम्र क्या है? बच्ची की 6 साल उम्र है, बड़े बच्चे की 3 साल है, छोटे बच्चे की 1 साल 16 दिन का बच्चा है। हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से और ये PS के सर्कल साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि एरिया वाइज MLA साहब, ये जो जितने लोग भी है ऐसे लोगों के लिए सख्त एक्शन लिया जाए, और हम ऐसे CM साहब से भी गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इन लोग सज़ा दिलाई जाए, और इन लोग को बाहर निकलने का मौका नहीं मिले, और दूसरे लोगों को इसका असर होना चाहिए कि ये ऐसी हरकत करने से दूसरों को भी पनिशमेंट होना, कि भाई नहीं करना चाहिए उन लोग भी, आइंदा और जो करने वाले हैं उन लोगों को भी इससे सबक मिलना कि ये ऐसी हरकत नहीं होना, हमारी बच्ची की तो ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती ना साहब, समझे, हम लोग क्या कर कितनी मेहनत से पाले होंगे, क्या करे होंगे, और ऐसे लोगों के हाथ को देने के बाद ये हालत हो गई है, समझ रहे। हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से यही गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बस हम आप लोगों का शुक्रगुजार है बस। अगर ये फोटो भी लेते तो देखो ये, अगर इसमें जाना हो नहीं भाई क्रॉप करके बेस्ट है। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से अपडेटेड रहने के लिए DMD चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।